सीएनजी बस, सीएनजी ऑटो रिक्शा, सीएनजी कार्स तो आपने बहुत देखा होगा, बट अब मार्केट में सीएनजी बाइक भी आ गई है। हाल ही में बजाज ने अपना पहला सीएनजी बाइक फ्रीडम 125 को लॉन्च किया है। इनफैक्ट ये वर्ल्ड का पहला सीएनजी बाइक है जिसे किसी ओईएम द्वारा बनाया गया है। बड़ा ही कमाल का इनोवेशन है दोस्तों, और आज इस वीडियो में हम इस बाइक के बारे में सब कुछ जानेंगे, साथ ही आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे, क्योंकि आप में से बहुतों को इसकी सेफ्टी के ऊपर डाउट है, तो और भी कई सारे डाउट्स हैं, सब पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही वो नोटिफिकेशन वाला घंटा भी बजा दो फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोटोरश। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुरोजित। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे हो गए और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होगे। दोस्तों, एज यू ऑल नो, बजाज ने फ्रीडम 125 को लॉन्च कर दिया है, एंड ये फ्रीडम नाम सुनकर मुझे एक और बाइक की याद आती है, LML फ्रीडम। बहुत प्यारी बाइक हुआ करती थी। खैर रहने दो उसे, ऑफ टॉपिक नहीं होते हैं। तो बजाज फ्रीडम 125 इज अ सीएनजी प्लस पेट्रोल बाइक, हाइब्रिड कह सकते हैं इसे। दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक, सो हैट्स ऑफ टू बजाज ऐसे इनोवेटिव काम करने के लिए। बाइक के डिजाइन की बात करें तो बहुत लोग कह रहे हैं होंडा नावी जैसी दिखती है, और कुछ हद तक सही भी है, बट लुक्स आर सब्जेक्टिव। मुझे ये एक गुड लुकिंग बाइक लगती है। इनफैक्ट ये एक कम्यूटर बाइक होते हुए ऑफ रोड बाइक का एहसास दिला रही है, स्पेशली फॉर इट्स टॉल सीट एंड एक्सपोज्ड ट्रेलिस फ्रेम, विच इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। प्रीमियम फील है भाई बाइक में, और इसके सीएनजी टैंक को इतने अच्छे से हाइट किया गया है कि देखकर किसी को लगेगा नहीं दिस थिंग रन्स ऑन सीएनजी। सीट के नीचे बढ़िया से हाइट किया गया है, 2 kg का सीएनजी टैंक है ये, मतलब टैंक का कैपेसिटी है 2 kg, और इसी टैंक को कवर अप करने के लिए ये लॉन्ग सीट दिया गया है। बाइक्स में अभी तक का ये सबसे लॉन्गेस्ट सीट है ये, 785 mm का। ट्रिपलिंग करने वाले भाई लोग सोच रहे होंगे कि अब तो 4-5 बंदे बैठाऊंगा एक साथ, पूरा ग्रुप एक साथ जाएंगे राइड पे एक ही बाइक पे। मत करना भाई, नॉट रिकमेंडेड, 2 लोगों के लिए होती है बाइक, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। सो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रीडम 125 में क्या क्या मिलता है। सामने बढ़िया सा हेडलाइट यूनिट मिल जाता है आपको, हायर वेरिएंट्स में ये एलईडी में मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर्स बल्ब में है, वाइड हैंडल बार्स हैं, और लेफ्ट साइड ये बड़ा स्विच है जिसे आप पेट्रोल और सीएनजी में स्विच कर पाओगे। बजाज की तरफ से कहा गया है कि आप राइड करते हुए आराम से स्विच कर सकते हो फ्यूल टाइप, बाइक रोकने की जरूरत नहीं होगी, ऑन द मूव स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा एक स्विच से। बाइक में नेगेटिव एलसीडी डिस्प्ले मिल जाता है विद कनेक्टिविटी फीचर्स, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट टू चार्ज योर फोन, पेट्रोल टैंक इज नाइसली इंटीग्रेटेड, 2 लीटर का टैंक है, और टैंक में आपको 2 फिलर्स दिखेंगे, राइट हैंड साइड वाला पेट्रोल के लिए है और लेफ्ट वाला सीएनजी के लिए। बजाज 60-65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम कर रहा है, तो फुल टैंक में 120 किलोमीटर का रेंज एंड सीएनजी का माइलेज है 100 किलोमीटर पर kg। 2 kg का टैंक है तो 200 किलोमीटर फुल टैंक में, मतलब पेट्रोल और सीएनजी मिलाकर आप मोर देन 300 किलोमीटर कवर कर सकते हो। नाउ दैट्स ऑसम टैंक रेंज। सस्पेंशन वगैरह की बात करें तो फ्रंट में ट्विन टेलीस्कोपिक फोक्स विद फोक स्लिप्स प्रोटेक्टर एंड मोनो लिंक्ड टाइप सस्पेंशन एट द रियर। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं 240 मिलीमीटर के एंड 130 मिलीमीटर ड्रम ब्रेक्स एट द रियर। टायर साइज इज 90x80x17 एट द फ्रंट एंड 120x70x16 एट द रियर। वाइड टायर्स हैं, अच्छे दिख रहे हैं बाइक पर, और राइड कंफर्ट भी अच्छा होगा वाइडर रियर टायर की वजह से। अब साइड से देखते हैं तो चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सबसे पहली चीज जो आप देखोगे वो है इसका एक्सपोज्ड ट्रेलिस फ्रेम, कम्यूटर बाइक पर एक्सपोज्ड फ्रेम, कमाल ही है भाई। वैसे इसका एक सेफ्टी एस्पेक्ट भी है, सीएनजी टैंक को सेफ रखने के लिए इसे फ्रेम के बीच एकोमोडेट किया गया है, तो सब फ्रेम थोड़ा वाइड है, इसलिए इसे इस तरह से एक डिजाइन एलिमेंट बना दिया बजाज ने फ्रेम को एक्सपोज्ड रखकर, एंड इट्स लुकिंग गुड। आई मीन ऑफ रोड एडवेंचर बाइक वाली फील आ रही है, एंड एडवेंचर बाइक की तरह इसका सीट हाइट भी थोड़ा ज्यादा है एट 825 mm। यस, ये थोड़ा ज्यादा तो है बट यूज टू हो जाओगे, एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। शॉर्ट हाइट वाले बंदों के लिए, आई मीन बिलो 5 feet 5 inch वालों के लिए दिक्कत हो सकता है, उससे ऊपर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्टी एंड मॉडर्न टच देने के लिए ब्लैक्ड आउट इंजन दिया गया है, और भाई इसे किक स्टार्ट भी दिया हुआ है। भाई सच कहूं तो जब कैमोफ्लेज में देखा था मैंने बाइक को, तो मुझे लगा नहीं था इतनी अच्छी दिखेगी लॉन्च के टाइम। मैं तो नॉर्मल सा प्लैटिना टाइप कोई बाइक सोच रहा था, बट ये तो डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है। ओवरऑल देखा जाए तो आप इसे नावी का बड़ा भाई कहो या कुछ और, बट दिस इज अ गुड लुकिंग मोटरसाइकिल, फीचर्स भी अच्छे हैं फॉर ए कम्यूटर। तो हमने बाइक देख लिया, इसके फीचर्स वगैरह चेकआउट कर लिए, और इसका माइलेज और रेंज भी देख लिया, बट इंजन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, चलो बताता हूं। तो फ्रीडम 125 में आपको ऑल न्यू 125 cc 4-stroke एयर कूल्ड इंजन दिया गया है
मैक्स पावर 9.5 PS एट 8000 RPM एंड मैक्स टॉर्क 9.7 Nm एट 5000 RPM। टॉप स्पीड 93.4 km/h अगर पेट्रोल पे बाइक को भगाते हो तो, और 90.5 km/h टॉप स्पीड मिलेगा अगर सीएनजी पर भगाते हो। तो भाई फिगर्स वगैरह देखकर कुछ ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं लगा 120cc बाइक के लिए। बाइक का कर्व वेट के वजह से शायद परफॉर्मेंस पर थोड़ा असर पड़ा है, 147.8 kg इसका कर्व वेट है। बट इस सेगमेंट के बाइक्स परचेज करते टाइम लोग इन फिगर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, कितना माइलेज है, कितने पैसे बचाएगी, इस बात का ध्यान रखते हैं। एंड एज दिस इज अ सीएनजी बाइक, इट विल सेव सम मनी फॉर श्योर। फ्रीडम 125 का प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव रखा गया है। टोटल 3 वेरिएंट्स ऑफर किया गया है एंड 7 कलर ऑप्शंस हैं। पहला वेरिएंट है NG04 ड्रम, ये ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है। इस वेरिएंट का प्राइस है 95,000। दूसरा वेरिएंट है NG04 ड्रम LED, इस वेरिएंट में ड्रम ब्रेक्स के साथ आपको LED हेडलाइट भी मिलेगा। प्राइस इसका है 1,05,000। और टॉप वेरिएंट है NG04 डिस्क LED, इसमें आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे एंड इट्स प्राइस इज 1,10,000। बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं बाइक के लिए, आप नजदीकी शोरूम्स में जाकर बुकिंग करवा सकते हो या ऑनलाइन उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कर सकते हो बुकिंग। सो गाइज, अब बारी है आपके सवालों के जवाब देने की, आपके डाउट्स क्लियर करने की। तो सबसे पहले बहुत लोग इसके डिजाइन को लेकर कंप्लेन करते दिखे कि नावी जैसी दिखती है, तो इस पर मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि लुक्स आर सब्जेक्टिव। जो आपको पसंद नहीं आ रही वो किसी और को पसंद आएगी। मुझे ये खराब नहीं लगी बाइक, इट्स अ यूनिक बाइक ऑफ कोर्स, सो अच्छी है, नॉट बैड। दूसरा जो सबसे ज्यादा मुझे दिखा कमेंट्स में वो है इसके सेफ्टी को लेकर, कि एक्सीडेंट्स के दौरान टैंक फट जाएगा, समर सीजन में गर्मी के कारण ब्लास्ट हो जाएगा। तो देखो, ऐसा है कि सीएनजी व्हीकल्स अपने देश में पहले से चल रहा है, ऑटो रिक्शा की भरमार है, कार्स हैं बहुत सीएनजी वाले, तो गर्मी से फटने का कोई डर नहीं है। ओईएम्स इतना तो ख्याल रखते हैं किसी भी मॉडल को डेवलप करते टाइम। हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई दिस इज नॉट अ कार, दिस इज अ बाइक, सो टैंक सेफ्टी इज अ कंसर्न। तो ये बात बजाज वालों को भी पता थी कि लोग ऐसे सवाल पूछेंगे, इस वजह से उन्होंने पहले से ही इन हाउस बहुत सारा टेस्टिंग किया है बाइक पर। टोटल 11 टाइप्स ऑफ टेस्ट किए गए हैं, इंक्लूडिंग ड्रॉप टेस्ट, फ्रंट कोलिजन टेस्ट, साइड कोलिजन टेस्ट। इवन एक टेस्ट में उन लोगों ने बाइक पर 10 टन का ट्रक चढ़ा दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनका फ्रेम कितना मजबूत है। सीएनजी टैंक को कुछ भी नहीं हुआ किसी भी टेस्ट में, ना ही फटा। फटना तो दूर की बात है, हर टेस्ट में टैंक पोजीशन इंटैक्ट था, टैंक से कोई लीकेज भी नहीं था। सो इन वीडियोस को देखने के बाद ये तो कह सकता हूं कि बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है, एक्सीडेंट्स वगैरह में बाइक को कुछ नहीं होने वाला, टैंक वैंक नहीं फटने वाला। अब तीसरे कंसर्न की बात करते हैं। वैसे इस पर बहुत कम लोग सवाल कर रहे हैं जबकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सीएनजी की अवेलेबिलिटी। देखो, ये जो कम्यूटर बाइक्स होते हैं ये छोटे शहरों में सबसे ज्यादा बिकती हैं, जबकि इन शहरों में सीएनजी की अवेलेबिलिटी कम है। सीएनजी गैस स्टेशंस ना के बराबर हैं, कुछ फ्यूल पंप्स में पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी का ऑप्शन रखा गया है, बट वो भी कम है, हर फ्यूल पंप में नहीं मिल पाएगा पेट्रोल की तरह, और जहां मिलेगा वहां लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा ऑटो रिक्शा के साथ। ये बड़ा कंसर्न है और इस कंसर्न के वजह से सेल्स पर भी असर पड़ेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा ये प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल होता है। अगर लोगों ने भरोसा दिखाया, अच्छे नंबर्स पे सेल हुए, तो और भी ब्रांड सामने आएंगी ऐसे हाइब्रिड टू व्हीलर्स लेकर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, ज्यादा पंप्स में सीएनजी मिलने लगेंगे। सो देखा जाए लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। वैसे आपका क्या ख्याल है, आप लोगे फ्रीडम 125 सीएनजी प्लस पेट्रोल बाइक? कमेंट करके बताओ जल्दी से। सो गाइज, बजाज फ्रीडम 125 सीएनजी बाइक को लेकर आपके मन में कोई और सवाल हो जो मुझसे इस वीडियो में मिस हो गया है तो बेझिझक पूछ डालो, मैं सबको रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो एक लाइक जरूर करते जाना, मुझे मोटिवेट करना ताकि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट्स लेकर आऊं। और जमकर शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर जगह शेयर कर दो, किसी के काम आ जाएगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपको पता है करना है क्या, सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल फॉर मोर ऑटोमोटिव कंटेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर योर हेलमेट एंड कीप वॉचिंग मोटोरश। बाय।